स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनीता। इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल का निरीक्षण किया, जिसमें उनके साथ अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के चलते दीपक रावत ने कई जगह अव्यवस्थाएं पाई और इन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते कुमाऊं आयुक्त रावत ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और साथ ही दो दिनों के अंदर व्यवस्थाओं में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को नैनीताल में आयुक्त दीपक रावत ने SDM, प्राधिकरण पालिका, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की टीम के साथ नगर का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उनकी नज़र नैनीताल की तल्ली ताल बाजार के सामने कई समय से पड़े मलबे के कट्टों पर पड़ी, जिन्हें देखकर दीपक रावत ने जमकर नाराजगी जताई और अधिकारियों को मलबे को तुरंत हटाने के निर्देश दिए और उसके साथ ही माल रोड में पड़ी गंदगी और सड़क किनारे जो लोग अवैध रूप से सामान बेच रहे हैं उन्हें भी तुरंत हटवाने के निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने मल्लीताल को रुख किया और वहां भी उन्हें कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। मल्लीताल पंत पार्क में अवैध रूप से लगे फड़ों को लेकर आयुक्त ने EO को जमकर फटकार लगाई। आयुक्त ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द 121 लाइसेंसधारी फड़ कारोबारियों के अलावा अन्य फड़ कारोबारियों को पंत पार्क से हटाया जाए। वहीं आयुक्त ने बारा पत्थर क्षेत्र में घोड़ा चालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाने के भी निर्देश दिए। और देखिए, मैंने निर्देश प्राधिकरण को ये दिए हैं कि जो भी अवैध निर्माण है, एक तो इनको एक हफ्ते भर में चिन्हित कर लें जहाँ चालान नहीं हुए हैं, और जहाँ पे भी सील कर दी गई है प्रॉपर्टी और उसके बावजूद भी निर्माण किया जा रहा है उस केस में FIR करें, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर सील है तो आप निर्माण नहीं कर सकते, वो सरकारी कार्यों में एक तरह से बाधा डालने की वाली बात है। और थर्डली, मैंने ये भी कहा है, यहाँ पे जो घोड़ा स्टैंड मैंने देखा है, इसमें जो घोड़े वालों के लाइसेंसेज हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था उनकी है, तो EO नगर पालिका उसको चेक करें कि जितने लाइसेंस हैं उतने ही घोड़े चल रहे हैं। और थर्डली, जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जे हैं और नजूल पे जो कब्जे हैं, उनको नोटिस देते हुए, मुनादी करते हुए खाली कराया जाए, क्योंकि इससे शहर का स्वरूप खराब हो रहा है, अनावश्यक गंदगी हो रही है और ये आप जानते हैं कि नैनीताल के एंट्रेंस पे ही है, तो इससे अच्छा मैसेज बिल्कुल नहीं जा रहा। निरीक्षण के दौरान माल रोड में बने सुलभ शौचालय में भुट्टे के कट्टों को और स्टोव को रखा देख आयुक्त दीपक रावत नाराजगी व्यक्त करें, साथ ही EO अशोक कुमार वर्मा को फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान आयुक्त दीपक रावत जब बारापत्थर क्षेत्र में पहुंचे तो वहां उनको एक अवैध होटल बिना नक्शे व बिना स्वीकृति के चलता मिला, जिस पर आयुक्त ने प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है, साथ ही जल्द से जल्द होटल को सीज करने के निर्देश दे दिए। तो ये थी नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर। खबरों का सिलसिला लगातार JJN में जारी है, तो बने रहिए और देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।